मैंने सैंडविच रेडी कर दिए हैं। जाम लग गया था। नहीं रेडनेस तो नहीं होती, बोलो दिन में बंदी हुई है। तो गाइज वेलकम है आपका एक और नए दिन के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैंने पोनीटेल बना रखी है और उसका रीज़न है ये धूप, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम जा रहे हैं पार्थ को स्कूल से लेने और पार्थ की आइज़ जो रह गई थी उसका चेकअप कराने के लिए। तो पार्थ को स्कूल से तो नहीं, जहाँ पे उसकी बस आके रुकती है वहाँ से हम उसको लेंगे, उसके बाद हम उसकी आइज़ दिखाने जाएंगे। ये मम्मी की आइज भी चेक करानी थी इसलिए हम सारे जा रहे हैं। तो हम निकल लिए घर से और पार्थ हमें देख के सरप्राइज हो जाएगा कि आज सारे के सारे लेने आए हैं, मेरे को क्या बात है, कुछ हो जाएगा सरप्राइज भी क्या। ये देखिए ये गाय ये रोटी खा रही है और ये पोलोथिन में बंधी हुई है, उससे खुल नहीं रही, काफी देर होगी उसको ट्राई करते करते, हम बहुत देर से देख रहे हैं। तो अभी संदीप गया उस पोलोथिन को खोल लेगा और फिर ये रोटी खाएगी। देखो कैसे देख रही है, बहुत भूख लगी है इसको, बेचारी बहुत देर से ट्राई कर रही थी, अब ये खाएगी। खाली। और ये पार्थ के स्कूल की बस आ गई है, अब इसमें से पार्थ उतरेगा। आधा घंटा हो गया था हमें वेट करते करते, और ये आ गया सबसे पहले पार्थ। और पार्थ ने गाड़ी देख ली है कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, आ गया आ गया। खुश हो गया लड़का आज गाड़ी देख के, गाड़ी में सब लेने आए मेरे को आज। ओए मेरा बेटा तो बिल्कुल पसीना में हो रहा, तो एक शर्ट भी गिल्ली हो रही पीछे तक पूरी, सारा भीग रहा है। ओए पार्थ दिन इस बेटा बस में बैठा हुआ तू, ज्यादा पसीना हो रहा है, ये देख गर्मी हो रही है बाबा बाहर, वो तो गिल्ला हो रहा है। आपने देखी है एम्बुलेंस आई थी? देख हां देखी थी बेटा, फायर थी बेटा, वो फायर क्या हो रहा है इसका? पापा इतना गंदा तुम उठा रहे हो, पूरा सारा गले में घुस गया वो फायर ट्रक ने। हां पानी फिर का टाइम ही नहीं था आने को, हो रहा था टाइम पसीने आ रहे बेटा, पी ले पानी, पहले पानी पी ले। और ये देख तेरे लिए हम पाइनएप्पल लेके आए, देखिए रहा पाइनएप्पल, ये रहा पार्थ, पहले मैंने लेके रख लिया था। आधा घंटा हो गया वेट करते करते, कब पार्थ आएगा? जाम लग गया था। मेरे को पता ही था तूने फायर ट्रक देखा होगा, मगर आते ही बताएगा मम्मी मैंने फायर ट्रक देखा, जाम लगा हुआ था और मुझे भी यही लगा था कि आप भी बोलो मेरे फायर ट्रक आया। चलो खा लो ठीक है फटाफट, फिर आपकी आईज चेक कराने चलेंगे पार्थ। आधे घंटे से इसका वेट कर रहे थे और ये हमारी डेस्टिनेशन तो बिल्कुल सामने ही थी, रोड क्रॉस करते ही विजन इंस्टा आई क्लिनिक, इस पे हमें जाना है। तो बस ये क्या ये रेड लाइट है क्या है मम्मी, ये टर्न करते ही हम पहुंच जाएंगे। चलो भाई उतरो। चल पार्क होता है और ब्लू पट्टी होता है, ब्लू पट्टी होता है दोनों होते हैं। तो फिर इसमें ये भी था कौन कौन से हैं, लेंस में एक बार आपको दिखा देता हूं किस तरीके का होता है। तो ये मोबाइल के लेंस की, किसकी बात कर रही तुम? ये वो ले रहे हैं एंटी ग्लेयर वाले, ये ब्लू पट लाइट वाले। अच्छा वो हां YouTube वो एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए वो। आज जैसे बच्चा भी टीवी देखेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी ना आपको? ब्लू कट में क्या है कि ये ब्लू लाइट जल रही है, लेजर लाइट है, इसी तरीके से हमारे फ़ोन से निकलती लाइट वो, लेकिन हमें दिखती नहीं है ठीक है। अगर हम लेंस को पहनेंगे तो लेंस के ऊपर से लाइट जाएगी तो लेंस के इस तरीके से काट देगी लाइट को। ये यूवी वाला है? यस ये यूवी वाला है। ये संदीप एक्सपेरिमेंट करते हुए, ऊपर से दबाई थी ना, ऊपर से दबाने का था साइंटिस्ट, तो ये इसने लाइट निकाल दी है। अब ये टेस्ट करके दिखाएंगे हमें वो भैया, दूसरी वाली ले आई, ये शायद खराब हो रही है। हाँ ये दूसरी लाइट लेके आ गई और ये फ्रेम लगा लगा के चेक कर रही है। आए समझ में ये वाले? तो ये वाले हमने सेलेक्ट किए हैं और इसमें हम वाइट वाला फ्रेम कह रहे हैं, अगर हो पाया तो देख रहे हैं अभी। तो ये पार्ट का आइस चेकअप हो रहा है, ए बी सी डी चल रही है। स्टार्टिंग से
चलिए बता दो बाद वाली। हाँ हाँ अच्छा मलता तो नहीं है? मलता है सर, करता है सर। ज्यादा लाल भी नहीं होती? नहीं, रेडनेस तो नहीं होती। पानी ज्यादा ऐसे आता तो नहीं ना? थोड़ा बहुत आता है सर कभी कभार। टीवी वगैरह देखते ना? खुजली बताता है? खुजली तो करता है सर, ये करता है। 57। अब मम्मी जा रही है अपनी आईज दिखाने। पार्थ की आईज तो ठीक बताई है, बस आई ड्रॉप दिया है पार्थ के लिए क्योंकि इसकी आंखों में खुजली होती है। जाओ आप, आपका नंबर आ गया, बैठ जाओ उस वाली चेयर पे आके। तो ये मम्मी का टेस्ट शुरू हो गया। ये पार्थ दादी को गाइड करते हुए क्या कह रहे हैं? थोड़ी आईज में एलर्जी है। एलर्जी है। तो अभी गाड़ी में आए थे चेक करवा के आईज, और गाड़ी इतनी गर्म हो रही है, बैठा ही नहीं जा रहा, पीछे कमर भी नहीं लगाई जा रही, पूरी सिकाई हो रही है ना। और ये सबसे लास्ट में बैठा है, इतनी लास्ट में बैठा है कि हम खुद से एसी भी ऑन नहीं कर सकते थे, पूरे जड़ के सिकाई होगी। बाहर इतना तगड़ा चला रहा था बाहर धूप में भाजन का, मर गए तुम, बैठ जाओ भाई अंदर। बाहर थे जब सिकाई हो रहा था, अंदर आए और जा ड्राइवर बाहर रुक रहा है, तुम अंदर बैठे हो। तो ये घर आने के बाद हमें इतनी जोर की भूख लगी थी कि मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, और ये अभी मैंने बनाया है सैंडविच। पार्थ को भी बहुत भूख लगी थी क्योंकि स्कूल से आके उसने कुछ खाया नहीं था, हम इसको वहीं की वहीं ले गए थे। और मैं ये पार्थ को और एक मम्मी को दे के आ रही हूँ। ले पार्थ, मम्मी तो सो गई, ले लो मम्मी, लो। क्या स्कूल में भूल गई क्या? मैं हाफ करके देना, अभी कर देती हूँ, लेके आ रही हूँ चाकू, ठीक है? तो ये अब मैं अपना और संदीप का सैंडविच भी रख रही हूँ बनाने के लिए, और अब ये बंद बंद नहीं हो रहा क्योंकि ज़्यादा सामान ठूस दिया मैंने हमारे सैंडविच में, और अब ये कुछ देर में बन जाएंगे, फिर खा के चाय पी के उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, गर्मी भी बहुत थी बाहर, तो घर पे दूध नहीं था। तो मैंने संदीप को बोला था कि जल्दी से दूध लेके आ जा, सैंडविच के साथ चाय पी लेंगे, बट वो अभी तक नहीं आया। ये देखो मैंने सैंडविच रेडी कर दिए हैं और अब मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि उसका नहीं पता कहाँ कितनी देर में आएगा, तो मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी है, जब तक वो आएगा तब तक मैं अपने सैंडविच खा लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, फिर पता नहीं कहाँ रह जाता है, एक जगह जाता है वहीं रह जाता है, उसके चक्कर में तो सैंडविच ठंडे हो जाएंगे। टेस्टी बने यार। वैसे जब बहुत जोर की भूख लगी हो ना तो कोई चीज़ टेस्टी ना भी बनी हो ना तब भी बहुत टेस्टी लगती है, मेरे को तो लगती है भाई, जब ज़्यादा भूख हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। बाकी मैं पार्थ और मम्मी से पूछवा देती हूँ तो कैसे लगे, खा ही रहे होंगे अभी, वो उनका खत्म नहीं हुआ होगा। पार्थ कैसे बन रहे सैंडविच, तुम तो खाए नहीं, पेट भर गया? अच्छा बन रहे ना? अब ये मैगी की बोल रहे हैं, इतनी तेज भूख लग रही है, खा गए मैगी नहीं बनेगी अब शाम को। तो संदीप अभी तक नहीं आया है और ये मैंने अपना दूसरा सैंडविच भी उठा लिया, उसका नहीं पता कितनी देर लगा दे, उसके चक्कर में तो भूखे ही रह जाए। आएगा जब आएगा, उसके दो छोड़ दिए मैंने, नहीं तो लड़ाई करेगा मेरे से। एक दो, ये है ना ये लड़का, ये गंजा, इसकी इतनी डिमांड है इसकी, अब बोल रहा है मेरे लिए मैगी बना दो। अब मैंने इसके लिए मैगी रखी है बनाने के लिए, ये इस पतीले में, अब मैं ये इसमें डालूंगी
थोड़ी सी। सारी नहीं बनाऊं? नहीं वो। कोई नहीं, अब मैं खा लूंगी, बचेंगी तो और क्या करूं, बनानी तो अब सारी पड़ेंगी। और इधर ये संदीप इतनी लेट दूध लेके आया था, अभी मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर मैगी बन रही है गंजे की। गंजे ला, मसाला डाल देती हूँ। दियो जब छोटा था जब भी गंजा ही था। खाना वाना कुछ नहीं है तेरे को, बस ड्रामे करने हैं। नहीं खाना ना? मैगी आपने चाय तो दे दी। और ये अभी आया है दूध लेके, कम से कम आधे घंटे बाद, और अब ये इनमें लग गया। और अब मैं बैठी हुई हूँ, अब मेरा मन नहीं है चाय बनाने का। मिल गया था, उससे बात करने लगा था। और अब ऐसे कह रहा है कुकर खाऊं इन, ये तो ठंडे हो रहे हैं, इन गला चाय चाहिए। चाय तो जब बनती ना, जब चाय का दूध आता टाइम पे। मैंने तो बताई को ना कि वो बना रखी हैं। बताऊं कैसे? जब मैंने फोन करके बोल दिया था दूध ले आई हो। ये तो लेना है ना दूध, फिर मैं जल्दी आता। तो ये देखिए, इस लड़के को इतना भी खबर नहीं है कि मैगी बन के रूम में ही आएंगी, अंदर बैठ जाऊं, यहाँ बैठा है आके। इधर देख, इधर देख, जब से वहाँ देख रहा है बन गया नहीं बन गया, जब बन जाएंगे बेटा, जब दिख जाएंगे। तो गाइस ये आ गई है पार्थी गर्मा गर्म मैगी, और अब पार्थी इसको खाएगा। थोड़ी देर पहले इसने सैंडविच नहीं खाया था, ये सिर्फ बनवा के रख देता है, खाता नहीं है। तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।